नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं दोहरी घाट ब्लॉक के पतनई खुर्द गांव में। दलित बस्ती है ये और वहां हम पहुंचे हैं। एक परिवार की स्थिति है जो आकर दिखाते हैं कि इस परिवार की स्थिति किस तरह है और ये लोग किस तरह से गुजर कर रहे हैं। जहां पे सरकार के लोग लगातार सरकार दावा कर रही है कि स्थितियां बिल्कुल सुधर चुकी है, मगर गाँव में ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पे देखने के बाद आप सोचते ही रह जाएंगे कि स्थिति आखिरकार ऐसी इस परिवार की है तो क्यों है। आइए दिखाते हैं, एक परिवार है, दलित बस्ती है ये। वादे बहुत हुए, बातें बहुत हुई, सरकारें सबकी आई, सरकारें सबकी गई और सरकारें चल भी रही हैं, मगर सच में तस्वीर जो बदलनी चाहिए थी वो तस्वीर नहीं बदली। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये एक एक तस्वीर कैमरामैन ये कैद करें और दिखाएं कि ये टूटा हुआ घर, ये टीन के सहारे, ये देखिए ऊपर बस ये टीन शेड पड़ा हुआ है, नीचे की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या है। कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आए और इस परिवार की हम हालत दिखाएं और बताएं कि यह परिवार किस तरह से आज के समय में जहां पे बातें बहुत हो रही हैं, जहां पे हम बातें बहुत कर रहे हैं, वादे बहुत कर रहे हैं, दावे बहुत कर रहे हैं, घुमाकर एक एक तस्वीर कैद करें। इसमें तस्वीर लेने लायक तो नहीं है, इस परिवार की स्थिति दिखाने लायक तो नहीं है, मगर हम दिखाएंगे नहीं तो आखिरकार आप ये जो जिम्मेदार लोग हैं वो देखेंगे कैसे और अमल कैसे करेंगे। जो लोग कहते हैं कि तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और हम अब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मगर वहीं पे हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, G20 सम्मेलन कराने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बजट बनाने, बड़े बड़े पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दावे बताने की बात कर रहे हैं, मगर एक ऐसा परिवार है जो घोसी ब्लॉक से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर निवास करता है और स्थिति उसकी यह है कि पूरी तरह से गिर चुका है। इधर भी आए कैमरामैन और दिखाएं, ये देखिए ये घर गिर चुका है, धराशायी हो चुका है। अब यह परिवार किस तरह से रहता है, हम उस परिवार के सदस्य से बात करेंगे। एक महिला है इस घर में, उन्हीं से हम बातें करें और जानें। का नाम पड़ी आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी, कौन गाँव घर है आपका? खुर्द पतनई। खुर्द पतनई खुर्द में आपका निवासी है। कितना समय हो गए लेते जीवन बसर कर? अरे हो गए धीरे धीरे 13-14 साल। 13-14 साल से यही तरह चला था जी। के रहला घर में के है आपके साथ? आदमी हम, दो बच्चे हम। दो बच्चे हम, का करना आदमी? दुखी हम हमेशा। अच्छा, बीमार, तबियत उनका खराब रह। परिवार कैसे चला था? अब अपन जांगर चला के केहू तरह चलावे की है, केहू ने सहारा केहू ना आवा। ये पूरा गाँव पुर न प्रधान ने सहारा दी है। प्रधान और धान जी से कब बात ना भई? होला बात प्रधान के, अपन बात सुनावे तो दूसरे आप बात सुनावे लगी है। का करी के वो का कहे ना? कहे ना चला समय अले पर हो जाये। ये स्थिति देखे ला ना, कबो आवे ला प्रधान जी की ना गाँव का? घूमत रहना हमेशा, घूमत रहना आवत रहना। एगो लड़का आवा, अब 16 साल का लड़का आवा, लड़का का करी? लड़का का करी? पति जी बीमार रहना, वो बीमार रहना। सरकार का योजना, सरकार का योजना का गैस वैस मिला लगी ना तो जी भरा हो रहा जला? हाँ, एक साल पर भरवनी है गैस। एक साल पर भराई है? एक साल पर भरवनी है गैस। हर महीना ना भरा? खाना ना किंगने बनेला? लकड़ से बनावत रहनी, लकड़ी पर खाना बनेला। हाँ, बड़ी बुरी स्थिति बा घर के ने, डर ना लगेला? अब हम मन के मजबूरी अब रहली है, मजबूरी है। जब आदमी वाला के ना बात, कहाँ से घर द्वार बनावल जाये? केहू ने रोजी रोटी चलत बाटे, केहू तरे अपन जिंदगी जिये ला। सब शौचालय उचालय बनल है सरकार का? शौचालय भी ना मिलल? कुछ ना मिलल। आवास? कुछ ना। आवास भी अगर मिलल रही तो शायद बनल ही रही। कब कागज वगैरह जमा भइल है कि ना? जमा भइल, कब बार जमा किया? आवास ना आई। अच्छा, लिस्ट में आई लो करी बादो ना आई? का कहल लो लिस्ट में? दूसर के दिया गल घर? दूसरे के दिया गल? दूसरे के दिया गल। का कहल लो आपके नाम रहल कहा की है ये ना आब? आ देखे वाला 10 लोग देखना की लिस्ट में नाम आयल है, बस आयल है हमारे। चारों ओर घुमाते रहे, स्थिति दिखाते रहे। तो का कहल जाए हमन के, जब ना के उदे तो हमन के मरना न कहल जाये? अपन जवन बा वही में हमन के बितावल जाला। अपन केहू सुने वाला नहीं खे? केहू सुने वाला ना हब? अधिकारी अधिकारी आवे ला लो कि ना तोहरे गाँव में? बहुत कम लोग आवेला। कम आवेला? हाँ। लेखपाल लोकपाल कबो आये लो कि ना तोहरे यहाँ? जब जरूरत रही वो बोलाई तो वही काम से लेखपाल आई है, बाकी लोगन का केहू ना देखेला। बाकी केहू का ना के घर गिरत है के ना कौन सुनवाई ना?
राशन वासन मिलेला सरकार के योजना मिलेला? चार जने हैं, तीन जने 15 किलो राशन मिलेला। चार जने हैं तो तीन जने का मिलेला, एक जने का काहे ना मिलेला? वो लड़किया के चढ़बौले हैं, बाकी 10 महीना हो गए अब तक ले ओकर चढ़बे ना कैल है। सुतल उतल के गन होला, बारिश वरिश होले तो डर ना लगेला? यही में रहेला, यही घर में। हाँ, खाना उना का बनैले हो? ये बोले हम दाल चावल बनौले हैं। खाना ना दाल चावल बनाई है? हाँ, तबियत ना सही रहा तो लड़का धनी है तब वो बना खो उतरल खाना बनैली है। महिला है, थोड़ा सा इधर दिखाइए तस्वीर, आंखों में आंसू आ गए तस्वीर को। हम बना रहे हैं और ये बता रही हैं, दोनों लोग सोचने पर दंग हैं कि जहाँ बड़े बड़े बातें होती हैं, जहाँ पे इतने दावे किए जाते हैं, तस्वीर बदलने की बात होती है, सरकारें सब की रही हैं, वो देखिए आंखें नम हो जा रही हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो थोड़ा सा एसी के कमरे से बाहर निकल के गाँव में भी घूमने का काम करें और ऐसे परिवार का सुध लेने का भी काम करें कि किस तरह से परिवार आज के समय में जीने के लिए अगर मजबूर है। ये देखिए पूरा ये सब, वही खाना बन रहा है, वही चूल्हा है, वही यहीं पे सोना भी हमें लग रहा है कि इसी घर में होता है। वही देखिए पूरा कपड़ा लत्ता सारा सिस्टम है, मगर जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह से अंधे हो चुके हैं कि एकदम सुनने के लिए इस परिवार को एक नजर अगर देख लेते, ये हमारे जो सिस्टम में बैठे जिम्मेदार हैं अगर एक नजर आकर इसको देख लें, बंद नजरों से भी देख लेंगे तो तस्वीर साफ है। अगर बंद नजर से भी इस तस्वीर को देख लेंगे तो भी इस परिवार का भला हो जाता, मगर जो जिम्मेदार हैं वो ना ही बाहर यहां आने के लिए तैयार हैं और ना ही इस परिवार की स्थिति सुधारने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कुत्ते भी एसी में सोने का काम करते हैं, मगर हमारे देश में कुछ ऐसे भी अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको खुद का सोने के लिए चारपाई की व्यवस्था नहीं है। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जेला ये लोग भी 170 की ही दाल खरीदते हैं और जो बड़े लोग हैं वो भी 170 की ही दाल खरीदते हैं। हम नमक पे टैक्स बराबर दे रहे हैं, हम तेल पे टैक्स बराबर दे रहे हैं, जब यह परिवार हल्दी पे टैक्स बराबर दे रहा है, यह परिवार हर एक चीज पे, माचिस से लेकर गैस पे लेकर हम जब बराबर खरीद रहे हैं, तो यह परिवार को बराबर हक क्यों नहीं मिल रहा है? इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? अगर आंखों में आंसू है इस परिवार के, माता जी की आंखों में अगर आंसू है तो यह कहीं ना कहीं सिस्टम पे चोट है और यह सिस्टम पे चमाचा है। आइए, एक भैया भी है, बहुत बुरा हाल है, समस्या होगा आज से नहीं कई साल से है। कभी आप लोग मिले नहीं प्रधान और धान से इस परिवार को? कई बार जा मिली प्रधान से, कोई नहीं सुनने वाला। क्या बोलते हैं लोग? पहले आवास आएगा तो मिलेगा, आवास आएगा मिलेगा, यही बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता लोग तो कह रहे हैं कि सब खुश बा, सब खुश, अपन स्वास्थ्य में खुश है सब नेता कहते तो लोग खुश, सब खुश बा, खुश है सब, चारों ओर महंगना महंगाई बा, ना रोज तू बा, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ परेशानी है, परेशानी है, अपना मौज खा रहे हैं सब, सुत रहे हैं, सब मौज खा रहे हैं, बरसात में सुत नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे? बरसात होती तो नित ना होती, बैठ के एक ही चारपाई किस तरह से बच्चों को लेकर सोती हैं आप? अपने बरबर लड़का अब बैठ के तो बिहान कइल जाला, बरसात होती है तो बैठ के बिहान होला। हाँ, कोनो इंतजाम ना, महंगाई से कैसे परिवार चला था? बहुत महंगा दाल तेल नमक सब, तिरपाल डाल ले रही है, वो तूफानी आयल फाट गई, वही में दिन भर रहते रही है, जब से फाट गई तब से अपन ये एगो पौधा लब्बा यही की छाए अपन दिन भर रह जाला, रात के तब अंदर सुतल जाला उसी में। और हम क्या बताएं, सब तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं वो एक बार आए और इस तस्वीर को, बहुत दूर नहीं है ये, दोहरी घाट ब्लॉक से 3-4 किलोमीटर की दूरी है, पतनई खुर्द गांव लगता है, दलित बस्ती, बिल्कुल सड़क के किनारे ये घर है। आधे आंख मतलब पूरी जिसकी आंख नहीं खुलती होगी, अगर अंधा भी होगा तो अगर एक बार आएगा तो आगे इस तस्वीर को देख के भाप तो लेगा ही, परछाई से ही भाप लेगा कि यहाँ पे बड़ी बुरी स्थिति है। तो अगर जो जिम्मेदार लोग हैं थोड़ा सा आए और खुली आंख से इस परिवार के दर्द को समझे, इस परिवार की स्थिति को समझे और इस परिवार की दर्द को समझे और बदलने का कोशिश करें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे भी गाँव की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको सच रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे मऊ तक, मैं हूं संजय, नमस्कार।